तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आप सभी को स्वागत है फिर से हमारा चैनल राइडर बर्मन पे। तो हम अभी है खाना परा पे, जैसे कि आज संडे है तो आज थोड़ा संडे राइड के लिए निकल चुके हैं। तो सुबह सुबह ही निकल चुका है आज, उस दिन जैसा लेट नहीं हुआ मतलब लास्ट वीडियो की तरह। तो क्या है ना, आजकल सब लोग मतलब रिव्यू दे रहे हैं अरन 5 का जो नया वाला है V4 अरन 5M। तो हमारा एक दोस्त भी ख़रीद लिया वो बाइक, मतलब म्यूचुअल फ्रेंड, हम लोग का एक म्यूचुअल फ्रेंड भी नहीं एक्चुअली, मेरा एक दोस्त का दोस्त ऐसा टाइप का। तो फिलहाल वो भी अभी गुवाहाटी पे ही है, तो वो भी हम लोग का साथ ही जाएगा बोला। तो हम भी सोचा क्यों ना हम भी एक रिव्यू दे दें आरन 5M का। तो थोड़ी देर बाद ही आप लोग को दिखा रहे मैं वो बाइक, और हम पूरा फुल रिव्यूज़ देने वाले कैसा कैसा है। कुछ छूट गया होगा तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन पर ज़रूर बता देना, और मैं जितना हो सके इतना बोल के दे रहा हूँ मतलब बाइक कैसा है कैसा नहीं है। बाकी तो थोड़ा बहुत रिसर्च हमने भी करके रखा ही था, क्योंकि मतलब हम भी देख ही रहा था कैसा कैसा है कंपेरिजन्स वगैरह। तो जो भी हो अभी जा रहे हैं फिलहाल टूवर्ड्स सोनापुर, वहाँ पे जाएंगे कुछ खाएंगे फिर वापस घूम के आएंगे। बस ऐसे सिंपल राइड थे, और बाइक का भी मतलब चलाना है तो इसीलिए। तो फिर देखते रहे आप लोग ब्लॉग, आई होप आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा, और अच्छा लगा तो लाइक वगैरह कर देना। तो यही है बाइक गाइस जो आप लोग को आगे देख रहे हैं, थोड़ी देर बाद चलेंगे हम भी तो आप लोग को हम फुल रिव्यू दे देंगे। तो देखते रहिए गाइस, आई होप आप लोग को अच्छा लगेगा देख के। तो गाइस बहुत दिन बाद चला के काफ़ी मस्त लग रहा है, बहुत दिन बाद है ये वाला रास्ता पे, और अभी सनराइज भी होने वाला है, मतलब थोड़ा थोड़ा निकल चुका है हमारा सूरज। तो ये रहा आप देख सकते हैं पहाड़ों के पीछे से धूप निकलते हुए। तो जो भी हो काफ़ी अच्छा लग रहा है चला के, बहुत दिन बाद ये वाला रास्ता पे आया। और हम जितना भी पेट्रोल पम्प देख रहे हैं सब राइट साइड पे है, लेकिन राइट साइड पे पेट्रोल पम्प का पास पे डिवाइडर भी मतलब वो गैप भी नहीं है घुसने के लिए ना। तो अभी हमको पेट्रोल चाहिए था, पेट्रोल पम्प मिला बट जाने के लिए रास्ता नहीं मिला, मतलब जा सकता था बहुत ज़्यादा मतलब घूमना होता, तो इसीलिए हम सोचा जो भी लेफ्ट साइड पे आएगा उसी में ही मतलब घुसेगा पेट्रोल। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं ये है आरन 5M। थोड़ा देर बाद में वही हो, तो थोड़ा देर बाद में हम इसका फुल रिव्यू देने वाला है, देखते रहिए ब्लॉग। तो हेलो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं यही है आरन 5M जो कि मॉन्स्टर एडिशन है। तो ये जो आगे का डेस्क पर है काफ़ी प्रीमियम लगता है, और हाइट भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब पीछे का सॉकेट जो हम लोग का वाला नॉर्मल वाला है उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अभी पीछे का सॉकेट, तो आगे का भी ओबियसली अच्छा करके दिया। तो देखते हैं थोड़ा चला के क्विक शिफ्टर वगैरह यूज़ करें कैसा होता है, साउंड भी पूरा स्मूथ था। इसको भी ऑन कर लेते हैं मिरर। तो जो भी हो चलो देखते हैं। तो ये वाला हैंडल का एक चीज लग रहा है मुझे, थोड़ा छोटा लग रहा है हैंडल, तो मतलब वर्जन फिश है जो ये हैंडल है ना दोनों का वाइट, वो थोड़ा सा छोटा लगा, जैसा कि पुराना वाला आरन 5 होता है ऐसा वाला लगा थोड़ा। तो गाइस ये गाड़ी का जो अच्छा लगा हमें वो है ये गाड़ी काफ़ी स्मूथ है, वर्जन 3 से तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है ये गाड़ी, बहुत मतलब काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है वर्जन 3 से, मतलब पूरा एकदम स्मूथ पूरा। ये देखो इधर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस सॉकेट का। तो हम थोड़ा और आगे जाके वापस आएंगे, थोड़ा देखता है मतलब मुझे तो पता है वर्जन 3 जो BS4 वाला है कहाँ कहाँ कौन सा गियर पर कौन सा स्पीड में आता है मतलब ज़्यादातर, तो उस हिसाब। तो जो इसका स्मूथनेस है मैं वही बोल रहा था, वो काफ़ी अच्छा लगा इसका, प्लस साउंड ऑलमोस्ट सेम ही है, वाइब्रेशन वगैरह कम है, और क्विक शिफ्टर काफ़ी कमाल का है गाइस, मतलब
काफ़ी कमाल, मतलब बता नहीं सकता है। ये देखो देखो गाइस, फोर्थ गियर मैं क्लास यूज नहीं कर रहे है, फिफ्थ गियर, सिक्स गियर, मतलब काफ़ी अच्छे से काम करता है, वर्क करता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो अभी थोड़ा देखता है गियर में कैसा कैसा, मतलब कौन सा गियर पे कैसा कैसा स्पीड आता है। तो अभी अगर हम लोग को क्रॉस करने वाला मिलता तो पहले घूम जाते हैं हम, क्योंकि सीधा जाते रहेगा तो काफ़ी दूर आएगा। तो गाइस चलिए चेक करते हैं फर्स्ट में, फर्स्ट गियर से। फोर्टी फाइव, सिक्सटी नाइन, 96, 115, 134 इजीली उठ जाता है। उसके बाद में आपको जलने के लिए और ज़्यादा चलाना पड़ेगा, लेकिन अभी तो इतना ज़्यादा रास्ता है नहीं, तो इसलिए अभी थोड़ा स्किप कर देते हैं ये वाला को, कभी और बाद में देखेंगे। लेकिन ऐसा ही जाएगा, लेकिन एक चीज़ है, मतलब थोड़ा पावर ड्रॉप लगता है वर्जन 3 से क्या में, लेकिन इतना पता नहीं चल रहेगा इस, लेकिन अगर आप जब एक साथ चलाएगा ना उस टाइम थोड़ा पता चल रहा है। और अभी तो मैं फिलहाल क्लिप ऑन वाला हैंडल खुल के रख गया, तो अभी मतलब क्लिप ऑन का डायरेक्ट कंपेरिजन नहीं कर पा रहे, बट जो भी हो ऐसा लग रहा है मुझे ये वाला थोड़ा छोटा है ना, क्लिप ऑन मतलब छोटा, आई मीन ये वाला थोड़ा ऐसा क्लोज कर दिया, पहले का थोड़ा ज़्यादा वाइट था ऐसा लग रहा है मुझे। बाकी जो डाउन का पोजिशन है वो ऑलमोस्ट सेम ही लग रहा है मुझे, वो चला के काफ़ी मस्त है। मतलब पहले कैसा होता है ना गाइस, जब आप इसे चलाएगा तो ये वाला थोड़ा ऊंचा ऊंचा लगता था, अभी ज़्यादा आगे है ऐसा लगता है, मतलब ना मतलब पहले अगर ऐसा करता था तो ये वाला थोड़ा और आगे रहने का जैसा लगता है, लेकिन अभी थोड़ा आगे ऐसा लगता है यार कि मुझे नहीं मालूम सबको ऐसा लगता है कि नहीं, लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगा। बाकी बाइक का जो क्वालिटी है गाइस काफ़ी प्रीमियम कर दिया अभी, मतलब क्या ही बताए, आप लोग को तो पता ही है। और मुझे जो सबसे पसंद आया उसका डैशबोर्ड, ये वाला चीज़ थू मतलब काफ़ी अच्छा लगा, ये मीटर कंसोल वगैरह वगैरह, तो वही है। और अभी देखते हैं एक जगह में रुक के आप लोग को थोड़ा दिखाता है बाइक कैसा है नहीं है, चलो यहीं पे रुक देता है। और हाँ गाइस, इसका डाउनशिप पे कोई शिफ्टर काम नहीं करता है, खाली अपशिप पे करता है। तो गाइस यही है यामाहा R15 वर्जन 4 या फिर R15M, वर्जन 4 ही है मतलब, ये वाला बस R15M वाला मोड है। तो आप लोग देख पा रहा होगा, ये मुझे एक्चुअली पर्सनली बोले तो व्हाइट वाला और ब्लू वाला ज़्यादा अच्छा लगा, ये भी काफ़ी अच्छा है, मतलब थोड़ा स्टिकरिंग बहुत ज़्यादा है लेकिन अच्छा ही दिखता है, ये भी ख़राब नहीं दिखता है। तो आगे से बिल्कुल ऐसा है, एक प्रोजेक्टर लाइट, ये वाला अच्छा है, MT का वाला जैसा नहीं है ये प्रोजेक्टर लाइट, मैं जितना अलग रिव्यू में देखा। और यहाँ पे USD फोक लगा हुआ है, यही सबसे बेस्ट पार्ट है। और गार्ड वगैरह अंदर का सेम ही है, बस ये डिफरेंस है। बाकी जो ये फ्रेम है ना, ये पूरा अलग कर दिया, मतलब ना जो कि साइड पैनल वगैरह होता है, टेंकी का अलग कर दिया, और मतलब ऐसा है। और ये वाला एलुमिनियम का बना दिया, साइलेंसर का थोड़ा ये चेंज कर दिया, ये सब मतलब लुक्स काफ़ी अच्छा कर दिया। और बाकी बाइक के बारे में क्या ही बताओ, आप लोग तो ज़रूर देख ही चुका है अलग अलग वीडियो में, हम बस ऐसे ही इसको चला के और क्या मतलब चला के एक्सपीरियंस करना चाहता था, इसलिए बस ट्राई किया। बाकी दोनों सेट पे ABS है, ये सब पे एलुमिनियम दिया, हम लोग का वाला थोड़ा अलग है जो वर्जन 3 में होता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आप क्विक शिफ्टर है, बाकी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस थोड़ा पावर ड्रॉप है इधर में, जो कि वर्जन 3 का जो BS4 मॉडल है उसका हिसाब से BS6 से सेम ही है, थोड़ा डिफरेंस है खाली, इतना पता नहीं चल रहा है आपको, बट आप अगर एक साथ दोनों बाइक चलेगा तो पता चलेगा। और ये लगा दिया ये वाला गार्ड जो दोस्त है हमारा उसका, और बाकी इसका हॉर्न काफ़ी सही है, हाँ मतलब वर्जन 3 से तो बहुत अच्छा है, मैं सोच रहा ये वाला हॉर्न मैं भी लगा लूँ। यहाँ पे डबल हॉर्न है एक्चुअली, यहाँ पे एक है और एक यहाँ पे है हॉर्न, तो इसलिए साउंड काफ़ी अच्छा आता है। और बाकी चलते हैं, अभी आप लोग को कैसा लगा वीडियो देख के ज़रूर बताना हमको गाइस। और ये वाला जो पोर्शन है काफ़ी अच्छा लगा, मतलब देखो ना सुपर बाइक जैसा थोड़ा ना। और ये रहा हेजर्ड का स्विच, इधर में ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह वो सब आप लोग देख ही चुका होगा अलग अलग वीडियो में, तो वो सब देखा के कुछ फ़ायदा नहीं है। बाकी और एक सही लगा ना कि यहाँ पे जैसे कि हम लोग का होता है यहाँ पे प्रेस करना पड़ता है, पर यहाँ पे मतलब हाथ से ही सब कुछ कर सकते हैं आप लोग, तो वो काफ़ी अच्छा लगा मुझे वो वाला फीचर्स। हम लोग को मतलब ऐसा ऐसा करना पड़ता है,
आप अभी भी देखेगा ना गाइस, अभी अगर ये हैंडल है, ये जो मीटर कौन से ले, हम लोग का थोड़ा और आगे है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब हम चला के जब इसको प्रेस करते हैं थोड़ा ऐसा छूटना पड़ता है, लेकिन इसका पूरा पास में अगर मीटर कौन से लेजर भी होता तो भी कर सकता था, तो वही है। बाकी आप लोग बता देना ऐसा है कि नहीं, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी हम जाते हैं जहाँ पे दोस्त लोग हैं। तो गाइस कुछ कुछ बातें हैं, मतलब जो कि ये बाइक है ये फुल्ली ट्रैक फोकस के लिए बनाया हुआ है। मतलब अगर कोई सोचता है कि ऐसा ऐसा चलाएगा तो आप लोग पहले ध्यान से देख लीजिए, एक बार टेस्ट ड्राइव लीजिए, फिर बाद में लेना, मतलब सीधा मत जाओ। अच्छा लगा देख के, क्योंकि स्पोर्ट्स बाइक ओब्वियसली सब अच्छा ही दिखता है, फेयरिंग का साथ आता है तो अच्छा ही दिखता है। तो मतलब ये वाला ओब्वियसली कंफर्टेबल ज़्यादा नहीं है आप लोग अगर ज़्यादा देर चलाता रहेगा ऐसा ऐसा, बट इधर में एक चीज़ अच्छा लगना, इसका जो सॉकेट एब्जॉर्बर वगैरह है वो सब थोड़ा अच्छा है, मतलब वर्जन 3 का जो मॉडल है उससे हर की, क्योंकि वो वाला थोड़ा मतलब लगता है, लेकिन ये वाला पूरा स्मूथ चलता है ऐसा लग रहा है हमको। आप लोग अगर थोड़ा मतलब नॉर्मल स्ट्रीट वगैरह ऐसा चलाना चाहते तो MT ही लेना, ये भी ठीक ही है अगर आपको शौक है चलाने का, पर हाँ ये वाला से आप इतना ज़्यादा तो नहीं चल पाएगा। बाकी वो रहा हमारा बाइक, आप लोग देख सकते हैं थोड़ा कंपैरिजन। बाकी इसका जो लुक्स वाइज चीज़ है ना, वो लुक्स वाइज काफ़ी मस्त बना दिया, मतलब कंपैरिजन ही नहीं है लुक्स वाइज ये वाला सेगमेंट पे बाइक में। इवन RC 200 से भी ये काफ़ी अच्छा दिखता है मेरे ख्याल से, जो RC 200 था वो भी अच्छा दिखता है, बट जब ये निकला ना RC 200 से, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये वाला बाइक, हमको ऐसा लगता है पर्सनल पर्सपेक्टिव से। बाकी ये बाइक अच्छा है। और गाइस जो मैं बोल रहा था ना, हम वो बताना रहे, देखो आप लोग अभी भी देख सकते हैं, सपोज़ ये तो हैंडल नहीं है, सपोज़ इधर पे होता तो ये देखो ये वाला गैप काफ़ी ज़्यादा है, जो कि ये वेयरिंग वगैरह भी इधर इतना नहीं लगता, लेकिन ये वाला का क्या है, काफ़ी सामने है मतलब ना ये वाला चीज़ तो, बट कोई ना कोई डिस्टर्बेंस नहीं आता है, चला के भी अच्छा ही है। तो देखते रहिए आप वीडियो को, अभी आप सब लोग को अच्छा लगेगा देख के। Never ends, back again, square one. Try to leave myself behind. Looking for a better place, not to stay alone. Gain my trust and you chose to break it. Ask for truth but you only fake it. Thought you said what we had was sacred. It's all lies, all lies. I was broken and isolated. Inside, how the fire waiting. Not a word that you say can save this. So don't try, 'cause this time you crossed the line. तो गाइस दो तीन चीज़ें जो है, मतलब वो वाला जो R15M जो नया निकला V4, मतलब वो इतना स्मूथ है ना गाइस, आप लोग को रास्ते पे चलाने से पूरा चलाते रहने का मन करेगा, मतलब काफ़ी स्मूथ है ये वाला बाइक से, मतलब रिफाइनमेंट के मामले में पूरा टॉप क्लास है वो बाइक, ये वाला फर्स्ट पेन है वो बाइक का, प्लस बाकी सब नॉर्मली है। और अभी हम लोग वापस जा रहे हैं अपना रूम पर। तो आई होप सब लोग को वीडियो देख के अच्छा ही लगा होगा, आप लोग जरूर इन्जॉय किया होगा, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना वीडियो को, अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो मैं मतलब आज ही चला के देखा इसको, तो चला के काफ़ी अच्छा है गाइस, जैसे कि हम थोड़ा देर पहले बोल भी चुका है, रिफाइनरी काफ़ी अच्छा है। तो उसी के चलते हुए थोड़ा निकल गया था संडे राइट, मतलब सुबह सुबह। और आई होप से आप लोग को वीडियो देखकर जरूर अच्छा लगा, अगर इतना दूर रह लिया तो लाइक ज़रूर कर देना वीडियो को, और जितना हो सके अपना फ्रेंड लोग का साथ शेयर भी कर दो, ताकि मेरा भी थोड़ा काम का मेहनत का फल आए। और अगर चैनल पे नया है तो सब्सक्राइब कर देना गाइस चैनल को, और ऐसे ही ब्लॉग्स देखते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर देना। और कुछ बताना है या फिर क्या करना है तो ज़रूर कमेंट कीजिए, जैसे भी हो, वीडियो अच्छा लगा खराब लगा कुछ भी हो,
और कमेंट कर देना, कमेंट कर देने से थोड़ा अच्छा लगता है। और बाकी फ़िलहाल अभी हम फिर से वापस अपना रूम पे ही जा रहे हैं, तो अभी यही रास्ता है। तो अभी के लिए बाय बाय और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे। सजना जी मैनू छड़ के नहीं जाना कभी झूठे वादे।